नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस नई एंड फेस वीडियो में जानेंगे जो यूनिवर्सिटी के, जो कॉलेज के, जो बीए बीकॉम के, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर के छात्र हैं उनकी परीक्षा और प्रमोशन को लेकर जो आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। अभी तक आप सभी जान रहे थे कि जो बीए बीकॉम एमएससी एमकॉम के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो छात्र थे उनको प्रमोट करने की बात कही जा रही थी। आप सभी ऐसी न्यूज़ आप लोगों को मिल रही थी कि प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर असमंजस की स्थिति बनी थी कि हाँ प्रमोट तो किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फाइनल निर्णय नहीं आया था कि हाँ सरकार ने कहे साफ साफ अपने शब्दों में या फिर मीटिंग में कह दिया हो कि छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ प्रमोशन को लेकर, आप वीडियो देखेंगे आगे समझ जाएंगे कि क्या कुछ निर्णय हुआ है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर चाहे बीए बीएससी या बीकॉम या फिर किसी अदर कोर्स के छात्रों, सभी लोग वीडियो को ध्यान से समझेंगे। एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को सटीक और सही जानकारी मिल सके। तो ये जो शिक्षा मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन छात्रों के लिए तो खास करके इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, लिखा है कि बिना परीक्षा प्रमोट होंगे कॉलेज के छात्र पढ़ें। डिटेल में यानी कि जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे। आगे डिटेल में आप लोगों को समझाना है, समझना है कि क्या वाकई में किन छात्रों को कैसे क्या होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, छात्रों को बिना परीक्षा पास किया जाएगा। हालांकि फाइनल ईयर के छात्रों को एग्ज़ाम देने होंगे। अभी तक आप लोग न्यूज़ के माध्यम से जानकारी पा रहे थे, लेकिन अब फाइनली एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है अपने शब्दों में। तो आप लोग को इस वीडियो से साफ साफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई शिक्षा मंत्री या सरकार लाइव आके कोई अनाउंसमेंट करती है तभी वो 100% श्योर मांगी जाती है, जो कि आज हो गई है, ठीक है। लिखा है इसमें कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक तरफ सीबीएसई के साथ राज्य बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर रहे हैं, वहीं यूपी बोर्ड ने कॉलेज की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। मंगलवार 8 जून को यूपी सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दी है। ये देखो आज निर्णय हुआ है, आज की डेट यहाँ पर पढ़ी है, आप लोग देख लीजिए आज यहाँ पर क्या डेट है। 8 जून को निर्णय लिया है और 8 जून को निर्णय अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। लिखा विश्वविद्यालय कॉलेज छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी है, इससे 41 लाख छात्रों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज फाइनली दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक प्रमोशन की बात ही चल रही थी, लेकिन आज फाइनल निर्णय हुआ है। और लिखा है इसकी घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की है और कहा कि राज्य के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छात्र को बिना परीक्षा सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि जो छात्र फाइनल ईयर में हैं उन्हें परीक्षा देनी होंगी। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा और जो अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के छात्र उनकी परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी वो भी अगस्त महीने में, यानी कि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये उप मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने बताया है, दिनेश शर्मा जी ने। और लिखा है कि राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसमें यह कहा गया है कि फर्स्ट ईयर के अंकों को सेकेंड ईयर की परीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा जो अगले वर्ष 2020 में होने वाली हैं। बता दें कि राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों के सेहत की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है, यानी कि जो कोविड चल रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है कि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उनकी स्वास्थ्य पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए सभी छात्रों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं उनको प्रमोट किया है। हालांकि फाइनल ईयर को भी पक कर देते, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के और कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इसलिए फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोई ना कोई अगर कोविड की सिचुएशन सही ना रहे तो कोई ना कोई नियम इनका भी निकलेगा किसी ना किसी बेस पर प्रमोट करने का फिलहाल। लेकिन अभी परीक्षाएँ कराई जाएंगी फाइनल ईयर की, वो भी अगस्त महीने में। जब भी कराई जाएंगी हम इन्फॉर्मेशन कर देंगे, अगर जल्दी कराए जा रहे हैं तो जल्दी, अगर अगस्त के बाद या अगले महीने हम कराए जाएंगे सितंबर अक्टूबर में तब भी इन्फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जो बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनको बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया गया, ये उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने खुद लाइव आके कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अपना लाइव जानकारी दी है।
तो आई होप आप लोगों को अब प्रूफ के साथ जानकारी मिल गई होगी। अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर की आप लोग तैयारी करिए और जो फाइनल ईयर के छात्र हैं वो अपना अपनी फाइनल ईयर की तैयारी जारी रखें। जल्द ही कोई ना कोई सलूशन निकलेगा इनका भी, तो हम आप लोगों को ज़रूर न्यूज़ के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।